उधर की तरफ भी क्राउड बहुत है, तो इधर तो है ही है। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सब 3 बज गए हैं और मैं अभी नहा होकर रेडी हुआ हूँ। तो आज कल की जो थकान थी ना, लास्ट ब्लॉग अगर आपने मिस किया हो तो ज़रूर देखना। इतनी मेहनत मैंने किसी ब्लॉग में नहीं करी आज तक शायद, जितनी लास्ट ब्लॉग में मैंने करी थी। और थकान जो हुई थी बहुत बुरी वाली थी। उसके बाद मैं फिर सुबह उठा भी नहीं गया था, आज बड़ी मुश्किल से उठा गया था। चलने में भी दिक्कत हो रही थी, पर आदत धीरे धीरे डल जाएगी चलने की। कभी कभी बहुत दिन के बाद चलते हैं तो ऐसा दिक्कत आती है। फिर कल मैंने ट्रैक भी किया था तो उसके वही उसका एक मेन रीज़न हो रहा था। पैदल चलते तो दिक्कत नहीं थी, और पहाड़ों में चलना मतलब भागने के बराबर है। अपना प्लेन में ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे जाते हैं, और पेट देखो आ गया अंदर, इसको अंदर कर देना है पूरा पक्का। तो चलो आज कुछ आपको अलग दिखाते हैं। अभी मैं निकलता हूँ बस यहाँ से। तो वेदर देखो आप, वेदर ना रोज़ सुबह में धूप निकलती है और 2:30-3 बजे तक इस तरह का हो जाता है बादल वाला। तो ये पूरे बादल आ गए ऊपर, सामने देखो कितने घने बादल हैं। तो जी ये मैं पहुंच गया हूँ बुरवा। तो सीधे जाते तो वो निकल जाते जो कल मैं गया था जिधर से ब्रिज से, और ये मैं इधर से घूमा हूँ आज इस रोड की तरफ। तो ये किधर जाता है अभी देखते हैं आगे चल के। वैसे ये ओल्ड मनाली की तरफ जाता है, मैंने यहाँ पर पूछा तो वो बता रहे थे कि ओल्ड मनाली निकल जाएगा ये, तो पहले ओल्ड मनाली की तरफ ही चलते हैं। तो ये देखो दोनों तरफ एप्पल के बाग हैं, यहाँ पे भी इधर की तरफ भी एप्पल ही लगे हुए हैं सारे में। रोड बड़ा साफ़ सुथरा सा बना हुआ है टाइल्स वाला जो ओल्ड मनाली की तरफ जाता है। तो आज इस ब्लॉग में आपको घुमाने वाले हैं ओल्ड मनाली, और चलते हुए रास्ते में जो भी अच्छे अच्छे व्यू दिखेंगे वो सारे को दिखाते हुए चलते हैं। बाकी आपको कुछ दिखाता हूँ, मोनिका ने कुछ सेंड किया है मुझे और आपके लिए भी, तो कमेंट करके बताना कैसा लगेगा आपको। तो आप बताओ कमेंट करके कि ये कैसा लगा आपको पिक। मोनिका ने ये पेंटिंग की है और काफ़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो एरिया काफ़ी पीसफुल है ये, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, भीड़ भाड़ भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और दूर दूर घर हैं और ग्रीनरी तो है ही है। तो काफ़ी अच्छा एरिया लगा ये बुरवा एरिया जो है, और पीसफुल भी है। तो ये मैं निकल रहा हूँ एक गांव से, इस तरह के घर बने हुए लकड़ी के, और शॉर्टकट लिया है मैंने जाने के लिए, तो ये पैदल का ही रास्ता है बस। ये देखो किस तरह से यहाँ पर घर बने हुए। पैदल घूमने का भी अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो है बिल्कुल प्योर पानी है, जो प्यूरीफाई है बिल्कुल, जैसा कि मिनरल वाटर होता है उससे भी अच्छा है। तो मैं ये बोतल साथ में रखी थी कि चलो यहाँ से भरते हैं। अंकल जी से पूछा तो बोले कि हाँ ये पीने का पानी है, भरो आप आराम से यहाँ से। कौन सा गांव है ये? गांव कौन सा है? गांव सुनार। अच्छा सुनार। तो पानी का टेस्ट ना बहुत बढ़िया था, और पूरा गांव पानी यहीं से पीता है जहाँ से मैंने अपनी पानी की बोतल भरी है। और ये देखो बिल्कुल ग्रीनरी, और शॉर्टकट में यूज़ कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा, पर आराम से जा रहा हूँ मज़े मज़े में। अपनी एक तो पेट का भी कम करना है और टांगों का भी पूरा ध्यान रखना है। तो अभी चलना फिरना जितना अच्छा ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। बड़ा मज़ा आ रहा है, ये जो एप्पल के पेड़ है ना उनके बीच से निकलने में एक अलग ही फील आ रहा है। मन तो कर रहा है खा लूँ तोड़ के, पर ऐसे नहीं तोड़ने चाहिए। अगर कोई होता यहाँ पे तो पूछ कर जरूर खा सकते थे। और सामने के व्यू आप देखो,
उधर पहाड़ पे बर्फ दिख रही है आज काफ़ी, शायद कल स्नोफॉल हुई हो, कल भी मौसम काफ़ी नरम था। और ये अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ विलेज सनाग, सनाग करके विलेज है, और बाकी यहाँ की खूबसूरती तो अलग ही है। यहाँ पे मतलब रोड पतले पतले रास्ते ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह आपको दिखेगा ही नहीं। आई थिंक नीचे से फिर रोड मिलेगा मुझे। अभी मैं मेन जो गाड़ियों वाला रोड है उसको उससे नहीं गया, क्योंकि उस पर ज़्यादातर व्हीकल्स चलते हैं और फिर पैदल चलने में दिक्कत होती है। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ, इस तरह के कुछ लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पे, और साइड में ब्यास नदी जा रही है इधर, और यहाँ पे काफ़ी सारी कैंपिंग साइट्स हैं, काफ़ी टेंट वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो टेंट स्टे वगैरह होते हैं, रिवर के एकदम साइड में है। तो लोकेशन तो ये वाली अच्छी है, इधर से कभी आया नहीं मैं, बट अच्छा लग रहा है इधर से जाने में। ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया मुझे चलते हुए, 4 बज गए हैं, 3 बजे चला था, बट आराम आराम से चल रहा हूँ। और इधर आप अपना पर्सनल टेंट भी ला के लगा सकते हो, उधर कुछ लोग अपना टेंट लगा के वहाँ पर रुके हुए हैं। और जो लास्ट वीडियो था वो था वहाँ का, वो वाटरफॉल आ रहा है यहाँ से, बहुत कम दिख रहा होगा, तो कल वाला वीडियो मैंने वहाँ जाके बनाया था, आज दूसरी साइड पूरा। तो इसी तरह से पूरा मनाली एक्सप्लोर करके दिखाना है, अच्छी अच्छी जगह जितनी भी होंगी सारी आपको दिखाएंगे। तो अभी आप आ चुके हैं रोड पे, तो अब ये जो मेन रोड है वो मिल गया है, इधर की तरफ से आता है घूम के अंदर से, और अभी तक मैं चल रहा था वो शॉर्टकट वाला रास्ता लेके, तो उससे थोड़ा कम पड़ गया होगा शायद, इससे आता तो इस पर गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी अब, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चलने में दिक्कत होती है। बाकी फुल मस्ती करते हुए पहुंच जाएंगे और थोड़ी बहुत देर में ओल्ड मनाली। तो अभी चाय का टाइम हो गया है, चाय का टाइम हो गया, 4:30 लगभग बज चुके हैं, 4:15, 1.5 घंटा चलते हुए हो गया मुझे। तो अभी थोड़ी दूर बचा है ओल्ड मनाली, यहाँ से मैंने पूछा, और एक बड़ा खूबसूरत सा ये यहाँ पे कैफ़े दिखा मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक वीडियो भी शूट किया जाए और चाय भी पी जाए एक, और सामने की व्यू यहाँ से आप देख सकते हो। कैफ़े ऑर्गेनिका, तो कैफ़े ऑर्गेनिका इसका नाम है। अभी इस रोड से आप जा रहे हो तो यहाँ पे एक चाय पी के आप आराम से जा सकते हो, और भी काफ़ी आइटम मिलते हैं, बट मैं सिर्फ इस टाइम चाय पी रहा हूँ। तो ये पहुँच चुका हूँ मैं ओल्ड मनाली की तरफ, घूमते घूमते मन था कि चलो ओल्ड मनाली देखना है कैसा है, कभी आए नहीं इधर हम। तो अभी ये मैं घूम रहा हूँ ओल्ड मनाली में, और ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया है, तो ऊपर की तरफ पूरा विलेज है, बट वहाँ पे जाना वाला ट्रिकी था तो मैं वापस आ गया। ये देखो जाम लग गया है इधर, तो अभी मुझे निकलना है यहाँ से माल रोड की तरफ। जाम तो ऐसा ही रहता है इधर, इधर के रोड कंजेस्टेड हैं और ट्रैफिक ज़्यादा है कुछ। तो भाई ने मुझे रास्ता बता रहा है कहाँ से निकलना है माल रोड, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता यहाँ का, तो इन्होंने बताया कि शॉर्टकट यहाँ से है ना, वो उधर की तरफ से जा रहा है पुल क्रॉस करके। ओके, थैंक यू भाई। बुरा वाला ट्रैफिक है इधर की साइड में, जाम लगा पड़ा है काफ़ी लंबा, पैदल निकलने का भी रास्ता बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। तो पूरा मनाली जाम हुआ पड़ा है, देख ही रहे हो, बस पैदल निकलना है, बुरा वाला ट्रैफिक है, ये देखो सामने से आगे तक। तो ये जो रोड है ये था मनाली से ओल्ड मनाली जाने वाला, मैं पहुंच चुका हूँ माल रोड के पास, और यहाँ के हाल देखो आप कैसे हैं, अभी इधर की तरफ भी क्राउड बहुत है, तो इधर तो है ही है।
ट्रैफिक बहुत है, बुरा वाला ट्रैफिक है। तो मैं खड़ा हूँ एक बार फिर से मनाली के माल रोड पे, और आपने देखा यहाँ का कैसा अभी क्राउड है। अब ये गर्मी गर्मी ऐसा ही रहने वाला है। तो अभी माल रोड पे चाय पी रहे हैं, और चाय पी रहे हैं किसके साथ में, हम रम के साथ। पाजी मिल गए, ये आरती भाभी जी है, इनको देखो कहाँ कहाँ ढूंढ लिया, कहीं भी कोई कहीं भी मिल हमने, जाता है। हमने ढूंढा इनको, फोन कर करके बुलाया, कहा भाई आओ यहाँ पर। तो माल रोड घूमते घूमते ऐसे ही बस मुलाकात हो गई। देखो और चाय पी, ये बंदे को मैं जानता नहीं था, वैसे ही इन्होंने वैसे ही दूर से पहचाना, कह रहे थी तुम यूट्यूबर हो क्या, आगे मेरे बोला मैं। मेरे आगे हाथ पैर जोड़ने लगे, तो मैं बोला कि नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हाथ पैर नहीं जोड़े, मैं तो पैर ही पड़ गया। बंदे बोले क्या कर रहे भाई, इनके साथ चाय पी लो। तो अभी चाय पीते हैं पाजी के साथ, अपने सन्नी पाजी के साथ, और फिर चलते हैं यहाँ से वापस चलेंगे। कल का कुछ प्लान बनाते हैं, फिर अच्छा सा प्लान रहेगा साथ में। हाँ, कुछ और एक बंदा अगर ऐड हुआ तो होगा, नहीं तो हम तीनों तो कंफर्म है। चलो ट्रैफिक देखो आप, इधर से आने का ये है रोहतांग साइड से, और पीछे तक ऐसे ही जाम है, बुरा वाला हाल है। वेदर देखो कितना मस्त हो चुका है, शाम का लगभग 6:30 बजे का टाइम है,